रिव्यू होना चाहिए था पहले ही, क्योंकि इसमें तीन चार बार इंसिडेंट यहाँ हो चुके हैं। तो यहाँ सिक्योरिटी की लैप्सिस जहाँ भी है वो ठीक है, वो उनको सही ढंग से नहीं देखा गया, उनको जरूर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। लेकिन यहाँ पर जो अभी आम आदमी पार्टी और शाहजा जी बात कर रहे थे पॉलिटिकल, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसको डिबेट को साइड ट्रैक किया जा रहा है। डिबेट है आज रोहिणी में इंसिडेंट कैसे हो गया। वास्तव में जैसे साजा जी कह रही है बात भी ठीक है, पूरी दिल्ली पुलिस को बदनाम इसमें नहीं किया जा सकता। एक इंसिडेंट के मतलब, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर कोई एक आदमी गलत करता है तो पूरी दिल्ली पुलिस बदनाम नहीं हो सकती। और जैसे अभी कमिश्नर साहब ने कहा था ये कोई गैंगवार नहीं है, कुछ बदमाशों ने एक बदमाश पर अटैक किया। गैंगवार वहां होती है जब दो आदमी दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली, एक आदमी कस्टडी में था, दूसरा आदमी दो एसेलेंट बाहर थे और वो आसानी से पहुंच गए क्योंकि उन्होंने कोर्ट पहन रखा था वकीलों का। और वकील भाइयों से प्रार्थना है कि जब भी ऐसी कोई सर्चिंग फ्रिस्किंग की बात होती है, सिक्योरिटी लैप्स की बात होती है, उनको पुलिस का साथ देना चाहिए, पुलिस के साथ रहना चाहिए। पुलिस भी जब से 30 तारीख कोर्ट का इंसिडेंट हुआ तो पुलिस भी वकीलों के साथ भिड़ना नहीं चाहती ये है। बड़ी बात आपने कही है कि जब दिल्ली के भीतर ही वकील और दिल्ली पुलिस सामने सामने आ गई थी, उसके बाद एक तालमेल की कमी भी यहां पर दिखाई दे रही है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। एक बार मैं चाहूंगी, मैं आपके पास आती हूं विक्रम सिंह जी, लेकिन उसके पास मैं पहले मैं चाहूंगी जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाई जाए और इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि राजधानी दिल्ली के भीतर एक बड़े कोर्ट के अंदर का ये वाकया है। इस तस्वीर को सुनिए भी किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा का पूरा परिसर गूंज उठा। जितेंद्र गोगी मारा गया, दिल्ली में 4 लाख, हरियाणा में 2 लाख का ये बदमाश था। वकील के ड्रेस में आए हुए थे हमलावर, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र गोगी को मारने के मकसद से आए थे और उसमें कामयाब हो गए, लेकिन 2 हमलावर भी मारे गए हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और दोनों ही वकील की ड्रेस में थे। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि दरअसल वकीलों की उस तरह से चेकिंग नहीं की जाती अगर वो यूनिफॉर्म में होते हैं तो, और इस कारण इस तरह का मामला यकीनन अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी का सबब। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। सुनिए गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे के पूरे परिसर में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। आज दोपहर की यह तस्वीर है। रोहिणी का कोर्ट नंबर 2 है ये, जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए 2 हमलावर वकील की वेशभूषा में आए थे, उनको न रोका गया न पहचाना गया। और ये देखिए